हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले। तो आज हम लेके आए तुम्हारे इंडियन रैकर्स रोड चोरी को अपन ने वीडियो। तो फाइनली गाइस, तुम्हारे इंडियन रैकर्स रोड चोरी गेम प्ले में आज हम बात करने वाले हैं तुम्हारे मतलब कि ऑल न्यू व्हीकल्स कब आएंगे। मतलब कि आप सभी ने थंबनेल में देखी होगी तुम्हारी स्कॉर्पियो एन, न्यू थार, इंडियन बस, हरियाणा बस, हाइड्रा क्रेन मशीन और तुम्हारे 18 टायर ट्रक। और इसके अलावा तुम्हारी स्कॉर्पियो कैंपर है, तुम्हारा बलेरो कैंपर, मतलब कि बहुत सारे मॉडल्स रेडी कर दिए हैं बट अभी तक ऐड नहीं हुए हैं। तो वो किस अपडेट में ऐड होने वाले हैं, कब आएंगे, क्या इस अपडेट में वो सभी व्हीकल ऐड होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हारा एक अपडेट आ चुका है तुम्हारी 7 मई को, ठीक है ना। उसके बाद फिर मैंने एक और अपडेट की बोली थी कि एक हफ्ते बाद एक और अपडेट आएगा जिसमें तुम्हारे निशुदेश्वर भाई का 16855 ट्रैक्टर आएगा और उस ट्रैक्टर को ना सबसे पहले ऐड करने वाले हैं। तो मतलब कि ये व्हीकल फिर कब ऐड होंगे भाई, किस अपडेट में आने वाले हैं, फिर कौन सा अपडेट ऐसा आएगा जिसमें ये सारे व्हीकल ऐड होंगे, तो आज इस वीडियो में ये सब चीज़ें बताने वाला हूँ। तो इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो चल गाइस, लेट्स गो। तो हाँ, तो गाइस मतलब कि तुम्हारी इंडियन व्हीकल्स रोड थ्री गेम प्ले में देखो तुम्हारी स्कॉर्पियो एन हुई, ब्लेरो कैंपर हुआ, स्कॉर्पियो कैंपर हुआ एंड तुम्हारा देखो महिंद्रा यूवो ट्रैक्टर का मॉडल भी रेडी कर दिया है बट अभी तुम्हारी गेम में ऐड नहीं हुआ है। तो वो कब ऐड होगा, किस अपडेट में आएगा, मतलब कि देखो क्या कर रहे हैं हम, तुम्हारा एक हफ्ते बाद एक और अपडेट आने वाला जिसमें तुम्हारा निशुदेश्वर का 16855 ट्रैक्टर सबसे पहले ऐड होगा, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हारा स्वराज 963 ट्रैक्टर उड़ने वाला है और उसके बाद तुम्हारे जेसीबी के कुछ मिशन आने वाले हैं जो कि एक हफ्ते बाद आ जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट में वर्क चलने वाला है, क्या उस मतलब कि उस अपडेट में ये सभी व्हीकल ऐड होंगे या नहीं, आप सबको इस वीडियो में वो भी बताने वाला हूँ। बट उससे पहले मतलब कि हमने कल ट्रिक बताई थी कि तुम्हारे ट्रैक्टर से ट्रॉली को अलग कैसे करते हैं, अब यही सेम ट्रिक ना हम इम्प्लीमेंट पे अप्लाई करने वाले हैं। मतलब कि इस वाले ग्लिच को ना हम तुम्हारे देखो मतलब रोटावेटर हुआ, कल्टीवेटर हुआ और तुम्हारा मट्टी पलटा हुआ और मतलब कि इस वाली ट्रिक को ना हम इस पर अप्लाई करके देखेंगे, जो तुम्हारी वजह से हमने कल ट्रॉली अलग करके देखी थी ना, ऐसे ही तुम्हारे रोटावेटर को, कल्टीवेटर को, मट्टी पलटा को अलग करके देखेंगे तुम्हारे ट्रैक्टर से कर पाते हैं या नहीं इस वाली ट्रिक को अप्लाई करके। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक ट्रैक्टर तुम्हें स्पेम करना है, मतलब कि ऑप्शन पर क्लिक करके AI ऑन कर लेना है, ठीक है ना। एक ट्रैक्टर स्पेम करना मतलब दूसरा व्हीकल स्पेम करना तो मैं कंपलसरी है, ठीक है। और इसके अलावा मतलब कि जैसे मैंने यहाँ पर थ्रेसर ले लिया, कस्टमाइज में गया, पहले एक ट्रैक्टर पर हम थ्रेसर ले लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारा दूसरा ट्रैक्टर है ना जिस पर तुम मतलब कि दूसरा ऑप्शंस में जाकर तुमने मतलब AI ऑन किया तो उस पर हम मतलब कि स्पेम हो जाएंगे। स्पेम होने के बाद मतलब कि तुम्हें क्या करना है, मॉडिफिकेशन में जाना है, फिर कस्टमाइज में क्लिक करके मॉडिफिकेशन, फिर ट्रैक्टर मॉडिफिकेशन में जाना है, वहां जाकर तुम्हारा थ्रेसर है ना वो टिक होगा, उसे अनटिक कर देना है और उसके बाद फिर दोबारा से जिस ट्रैक्टर पर तुम्हारा थ्रेसर है ना उस पर आ जाना है और उसके बाद फिर दोबारा से उसको टिक कर देना, बस इतना सा ही काम करना है। और तुमने लिटरली भाई देखा जैसे हमने बिग ट्रोला और स्मॉल ट्रोला तुम्हारा मतलब कि ट्रैक्टर से अलग किया था ना तो तुम्हारा थ्रेसर भी अलग कर दिया। अब इसे अटैच कैसे करना है, फिर दोबारा से कस्टमाइज पे क्लिक करना, मॉडिफिकेशन पे क्लिक करना, फिर ट्रैक्टर मॉडिफिकेशन पे क्लिक करना, उसके बाद फिर दोबारा से उसे अनटिक करके टिक कर देना, तो तुम्हारा जो मतलब कि थ्रेसर है ना वो ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगा उस ट्रैक्टर से, मतलब कि दोबारा से रीस्पेम हो जाएगा। बट हम फ्यूचर में क्या सोच रहे हैं, जो आज वो ये बोल सकते हैं नेक्स्ट अपडेट में या फिर उससे अगले अपडेट में, कि एक ऐसा ऑप्शन दे देते हैं कि जितने भी व्हीकल हैं ना सभी व्हीकल हैं उनको अटैच कर पाएँ, डी अटैच कर पाएँ और अब हम तुम्हारा मतलब कि रोटावेटर ले लेते हैं। अब रोटावेटर पर ये सेम ट्रिक अप्लाई करने वाले, तो सिंपल सा आता हो, करना है कुछ नहीं है, वही से स्टेप्स फॉलो करने हैं कि सबसे पहले उस ट्रैक्टर पर तुम्हें ले लेना है, फिर क्या करेंगे तुम्हारे दूसरे ट्रैक्टर पर मतलब कि एक्सचेंज हो जाएंगे, मतलब कि दूसरे ट्रैक्टर पर स्पेम हो जाएंगे, वहाँ एरो में जहाँ से हम ट्रैक्टर को चेंज करते हैं ना वहाँ से दूसरे ट्रैक्टर पर एक्सचेंज हो जाएंगे, उसके बाद फिर दोबारा से वहाँ अनटिक कर देंगे, फिर टिक कर देंगे। तो वही स्टेप्स सभी इम्प्लीमेंट पर यूज़ करने वाले हैं और भाई तुम्हारा रोटावेटर हमने करके देखा नहीं हो रहा, मतलब कि तुम्हारा जो इम्प्लीमेंट है ना तो मेरे हिसाब से इम्प्लीमेंट पर ये चीज़ अप्लाई नहीं होने वाली। पर मैंने एक चीज़ सोची है कि भाई मतलब कि एक ऐसा ऑप्शन ऐड करवा देते हैं तुम्हारे गेम प्ले में, जैसे तुमने FS19 देखा होगा, FS20, FS19, FS23, FS24, मतलब कि जितने भी गेम है ना FS सीरीज़ के वो सभी आप सभी ने गेम खेले भी होंगे या देखे भी होंगे, उन गेम में क्या सिस्टम होता है, जैसे तुम्हारा रोटावेटर ले लिया, तुम्हारा कल्टीवेटर ले लिया, हैरो ले लिया, टिलर ले ली, तो वो क्या होते हैं एक साइड एक वेयर हाउस होता है बहुत बड़ा, उसमें जगह जगह खड़े होते हैं, उनको अटैच भी कर लेते हैं, डी अटैच भी कर लेते हैं। एक ऐसा ऑप्शन ऐड कर मतलब कि वो तो ऑटोमेटिकली अटैच और डी अटैच हो जाते हैं, बट हम एक ऐसा ऑप्शन ऐड कर देते हैं
कि एक बटन ऐड कर देते हैं, जैसे लिफ्ट अप एंड डाउन करने का सिस्टम है ना, ऐसे एक बटन ऐड कर देते हैं अलग से अटैच और डी अटैच करने का। सभी इंप्लीमेंट, चाहे वो ठेली हो, चाहे ट्रॉली हो, चाहे थ्रेसर हो, कोई सा भी इंप्लीमेंट हो, सभी इंप्लीमेंट को अटैच और डी अटैच करने का एक अलग से ऑप्शन ऐड कर देते हैं। बाकी आप सब अपनी कमेंट सेक्शन में राय देना, मतलब कि हाँ एक ऐसा ऑप्शन ऐड करें या नहीं। और इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कि जो तुम्हारी स्कॉर्पियो एन है वो भाई कब ऐड होगी। देखो तुम्हारे निशु देसवाल भाई का स्वराज 855 ट्रैक्टर की मॉडिफिकेशन, फुल मॉडिफिकेशन, चाहे डीजे पर उनका फोटो, चाहे कुछ हो, वो एक हफ्ते बाद जो अपडेट आने वाला है ना, उस अपडेट में वो सारी चीज़ आ जाएंगी, ठीक है ना। बट उसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट पे, मतलब कि एक हफ्ते बाद जो वर्क और स्टार्ट होने वाला, एक और अपडेट आएगा एक हफ्ते बाद, और उसके बाद फिर दोबारा से जो काम स्टार्ट होगा व्हीकल मॉडिफिकेशन का, उस अपडेट में ना भाई देखो तुम्हारी सबसे पहले स्कॉर्पियो एंड न्यू थार और तुम्हारी देखो न्यू डीजे, हरियाणा बस, इंडियन बस, मतलब कि जितने भी हमने मॉडल रेडी कर दिए ना, बहुत सारे मॉडल है। देखो ब्लेरो कैंपर भी बना दिए है, तुम्हारे स्कॉर्पियो का भी कैंपर भी बना दिया है, मतलब कि बहुत ऑप्शन ऐड कर दिए तुम्हारी गेम प्ले में। हाँ एक चीज़ और मैं आप सबसे पूछना चाह रहा था, जैसे कि हम तुम्हारी ब्लेरो कैंपर तुम्हारी गेम प्ले में ऐड कर दें, ठीक है ना, ब्लेरो कैंपर ऐड कर दें, तो उसमें जैसे पीछे का हिस्सा होता है ना, पीछे का हिस्सा होता है जिसमें हम कुछ भर दें, तो एक ऐसा ऑप्शन दे दें कि उसमें मतलब पीछे बोरी भी लाद सकें तुम्हारी ब्लेरो कैंपर में, स्कॉर्पियो कैंपर में, और इसके अलावा उसमें हम कुछ पत्थर पत्थर भी भर सकें, तो ऐसे वाला भी ऑप्शन ऐड करें या नहीं ऐड करें आप सब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। स्कॉर्पियो कैंपर और तुम्हारी ब्लेरो कैंपर पर ये दो ऑप्शन है, मतलब कि पत्थर भी भर सकें, पीछे बोरी भी ला सकें और डीजे भी लगा सकें, जैसे अपनी ट्रॉली में, बिग ट्रॉली में एंड तुम्हारे ट्रक में, ट्रक वन, ट्रक टू, तीन सभी में लगा लेते हैं ना, तुम्हारी बोरी भी लाद लेते हैं, पत्थर भी भर लेते हैं। ऐसे ही तुम्हारा पीछे का थोड़ा सा डाला होता है ना, तुम्हारी स्कॉर्पियो कैंपर ब्लेरो कैंपर पीछे का डाला होता है, उसमें कुछ भी भर सकें, आप सब कमेंट करके बताना कि ऐसा भी ऑप्शन ऐड करें या नहीं। और इसके अलावा इस वीडियो में ना आप सभी के लिए एक ट्रिक और लेके आया हूँ कि मतलब कि जो तुम्हारा बिग ट्रोल है ना, इसमें मतलब कि जो पत्थर हैं वो कैसे लोड करने हैं। तो आप सबको क्या करना है, पहले ऑप्शंस में जाकर दूसरा व्हीकल स्पेम कर लेना है, एंड उसके बाद मतलब कि देख रहे हो ना मेरे बीच में और इसमें जो जितनी डिस्टेंस है ना, उतनी ही डिस्टेंस रखना, तो मतलब कि जितनी मतलब कि ट्रैक्टर और तुम्हारी ट्रॉली में डिस्टेंस है ना, इतनी ही डिस्टेंस रखना अभी फिलहाल में तुम देख लो। और उसके बाद कस्टमाइज पर क्लिक करना, मॉडिफिकेशन पर क्लिक करना, फिर ट्रॉली लोड लोड लिख रही होगी, ठीक है, उस पर क्लिक करना और स्पेम रॉक्स लिख रही होगी। इतने डिस्टेंस के बीच में तुम जैसे स्पेम करोगे ना, तो ट्रैक्टर थोड़े मतलब कि जो तुम्हारी ट्रॉली से थोड़े मतलब कि बाहर की साइड भी गिर जाएंगे, और तुम्हारे बिग ट्रोला में भी भाई लिटरली ऐसे इस ट्रिक को अप्लाई करके, मान के चलो तुम जेसीबी से नहीं भर पा रहे हो, तो ऐसे भर के आप सब अपनी ट्रॉली को कहीं पर भी ले जा सकते हो। भाई तुम्हारा जो ट्रैक्टर है लिटरली कितना लोड ले रहा है तुम्हारे बिग ट्रोला, अभी तो भाई ये कम है, अभी ये फिलहाल में कम है, मान के चलो आप सभी को ये मतलब कि जो ट्रॉली में जो पत्थर भरे हुए हैं अभी कम लग रहे हैं, तो अपनी जेसीबी से मतलब जेसीबी को लेके ऑप्शंस पर क्लिक करके, मान जैसे हम एआई को ऑन कर लेते हैं दूसरे व्हीकल पर, मतलब कि स्पेम होके उसके बाद फिर उसे मतलब कि बदल लो ऑप्शंस पर जाके, जेसीबी चेंज कर लो, ठीक है। उसके बाद तुम दूसरी मतलब कि जेसीबी से ना अगले वाले खोंचे से, पिछले वाले खोंचे से एक एक पत्थर करके ना आप सब इस वाले ट्रोला में भर लो, मतलब पूरा ठांस लो तुम्हारे बिग ट्रोला को, कम से कम ऐसे आप एक ट्रिक अप्लाई करके आधे से ज़्यादा तो ऐसे भर सकते हो तुम ट्रोला को, और उसके बाद तुम दूसरी ट्रिक अप्लाई करके उसके बाद ऐसे मतलब कि अपने ट्रोला को भर सकते हो। तो ऐसे फुल भर के भाई लिटरली तुम्हारा जो ट्रैक्टर पे मजे आने वाले हैं, क्या ही मजे आने वाले हैं। इस वाली ट्रिक को आप सब अप्लाई करके दिखाना, मतलब करके देखना, और उसके बाद फिर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि ये वाली ट्रिक जो मतलब कि सेकंड ट्रिक और बताइए ना आप सबको कैसी लगी, एक बार कमेंट करके आप सब बता देना, इसको एक बार करके देखना फिर बताना, ठीक है। और जैसे कि अभी फिलहाल मैंने यहाँ पर ट्रैक्टर ले लिया, अब तुम देख रहे हो ट्रैक्टर भाई लिटरली कितना लोड ले रहा है, बहुत ज़्यादा लोड ले रहा है। और इसके अलावा ये वाली जो ट्रिक तो हो गई, बहुत सारी ट्रिक बता दी मैंने, दो तीन ट्रिक बता दी हैं जिनको अभी फिलहाल में तुम रीसेंट टाइम में कर सकते हो जब तक एक हफ्ते का अपडेट नहीं आ रहा है। और इस चीज़ की टेंशन मतलब अभी भी बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे हैं कि तुम्हारे निशु देसवाल भाई का स्वराज 855 ट्रैक्टर कब ऐड हो जाएगा, भाई ऐड क्यों नहीं कर रहे हो, हम गेम को डिलीट कर देंगे, अभी भी यही कमेंट आ रही हैं। जबकि मैंने ऑलरेडी वीडियो में बोल चुका हूँ कि भाई कुछ रीज़न है जो गेम के डेवलपर एक आध दो दिन अभी काम स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी रीज़न की वजह से। अगर जो गेम के डेवलपर ना एक बार मतलब कि उस काम से मतलब ख़त्म हो जाए ना, जो काम कर रहे हैं वो एक्चुअल में वो काम ख़त्म हो जाए, उसके बाद जैसे वो काम स्टार्ट कर देते तुम्हारे गेम प्ले पर, उसके बाद तुरंत सबसे पहले तुम्हारा निशु देसवाल भाई का स्वराज 855 फुल मॉडिफिकेशन के, चाहे फोटो चाहे डीजे हो, कुछ भी चीज़ हो, सबसे पहले वही ऐड होगा। इस बात की टेंशन मतलब मैं गारंटी ले रहा हूँ भाई, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि सबसे पहले तुम्हारा निशु देसवाल भाई का स्वराज 855 ट्रैक्टर ही देखने को मिलने वाला है इस गेम प्ले में, उसके अलावा कुछ नहीं ऐड होने वाला, सबसे पहले वही ऐड होगा, ठीक है ना।
तो अभी भी यही कमेंट मत करो, अब गारंटी मैंने ले लिया कि निर्जु देश और भाई का स्वराज व्हाट्सएप में ट्रैक्टर मैं ऐड करवा दूंगा अभी रिसेंट टाइम में, ठीक है ना। बट जब तक और चीज़ों की डिमांड बढ़ाओ भाई, एक निर्जु देश और भाई का स्वराज व्हाट्सएप में ट्रैक्टर ही थोड़ी चलाते रहोगे, और भी मिशन है, टायर फंसने वाला सिस्टम है, कैरेक्टर है, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अपडेट में आना बाकी रह गई हैं। उनके लिए कमेंट करो, कम से कम डिमांड बढ़ाओ, बहुत सारे व्हीकल हैं उनकी डिमांड बढ़ाओ, उनके लिए कमेंट करो भाई। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस गेम प्ले में ऐड करनी है, बट तुम्हारे जो निष्क्रिय सॉल्व का 1655 ट्रैक्टर है ना, उसकी टेंशन मत लो, वो सबसे पहले तुम्हारे गेम प्ले में ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। एंड आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।